ये है 1 लाख का पीसी और हमने इस पीसी को बिल्ड किया है मिस्टर विनीत के लिए और ये बिलोंग करता है केरला से। ओके, तो उनके सिस्टम पर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए हैं वो मैं आपको इस वीडियो पर शेयर करता हूँ। बट बिफोर दैट, मेरा नाम है सैफ, हमारा ऑफिस जालहाड़ी विलेज में है, बैंगलोर में। अगर आप में से कोई लोग हैं जो पीसी वगैरह बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप जो है हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इनके सिस्टम पर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की। प्रोसेसर हमने इसमें इस्तेमाल किया है इंटेल का कोर i5 12700F। इसमें जो है आपको 12 कोर्स और 20 थ्रेड्स जो है देखने को मिल जाएंगे और 12 कोर्स में भी जो है आपको 8 कोर्स जो है परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 कोर्स जो है एफिशिएंसी कोर्स है। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो है 4.90 GHz। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है MSI का मैक B660M मोल्टार वाईफाई का। इस मदरबोर्ड का हमने इसमें इस्तेमाल किया। अगर मैं इसमें USB पोर्ट की बात करूं तो टोटल जो है इसमें 7 USB पोर्ट्स अवेलेबल है। और अगर मैं M.2 स्लॉट्स की बात करूं तो 2 जो है इसमें M.2 स्लॉट्स जो है दे दिए गए हैं। और अगर मैं RAM स्लॉट्स की बात करूं तो 4 RAM स्लॉट्स इसमें अवेलेबल है। अगर विनीत जी इन फ्यूचर में RAM इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो 128 GB तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और हमने जो इसमें RAM लगाया है वो है DDR5। ओके, DDR5 सपोर्टेबल ये मदरबोर्ड है। और अगर मैं इसके LAN पोर्ट की बात करूं तो LAN पोर्ट इसमें जो दे दिया गया है वो है 2.5 GB/s। बेसिकली 1 GB/s रहता है नॉर्मल मदरबोर्ड में, इसमें जो है 2.5 GB/s का LAN पोर्ट दे दिया गया है। और अगर मैं वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करूं तो दोनों जो है इसमें सपोर्ट करते हैं और वाईफाई जो दे दिया गया है वो है 6E है। और अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम हमने इसमें इस्तेमाल किया है कॉर्सेर की वेंजेंस जो कि है DDR5। अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं तो 5600 MHz है। इसके बाद मैं बात करता हूं SSD की। SSD हमने इसमें इस्तेमाल किया था क्रूशियल की P2 NVMe SSD जो कि 500 GB की है। अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूं तो ग्राफिक्स कार्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है MSI का Ventus 2X GeForce RTX 3050। ओके, ये जो है 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर मैं इसके डिस्प्ले पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें जो है 4 डिस्प्ले पोर्ट्स दे दिए गए हैं, 3 जो है DP पोर्ट है, 1 जो है HDMI पोर्ट है। अगर मैं SMPS की बात करूं तो SMPS हमने इसमें इस्तेमाल किया है Deepcool का जो कि 650W का SMPS है। अगर मैं एयर कूलर की बात करूं तो इसमें जो है हमने एयर कूलर इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर का हाइपर H410 और RGB एयर कूलर जो है हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अगर मैं कैबिनेट की बात करूं तो कैबिनेट हमने इसमें इस्तेमाल किया है एंड स्पोर्ट्स का i5 11MT। इसमें जो है आपको तीनों मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे। सो यही था ओवरऑल इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा। अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर से बता देना। और अगर आप में से कोई लोग है PC वगैरह बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप जो है आराम से PC बिल्ड करवा सकते हैं। ओके, देखिए ये जो विनीत जी है ये केरला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है सम एडवांस पे किया है, अभी हमको जो है यहाँ से उनको शिप करवा देना है। इसी तरीके से अगर आप में से कोई लोग है जो कैश ऑन डिलीवरी जो है करवाना चाहते हैं तो आप जो है हमको हाफ पेमेंट करके आपको जो PC है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Leave me alone.